हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म बैटालियन के रिलीज होने में अब बहुत कम समय बचा है। इसी बीच निर्माताओं ने फिल्म का प्रीव्यू जारी किया है, जिसमें रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की झलक देखने को मिल रही है। प्रीव्यू को चेन्नई में आयोजित हुए फिल्म के ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम के दौरान रिलीज किया गया। बैटालियन 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बता दें कि तमिल में बैटालियन का अर्थ शिकारी होता है। बैटालियन के प्रीव्यू को देखकर लगता है कि रजनीकांत और अमिताभ बच्चन फिल्म में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। रजनीकांत एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का रोल कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन सत्यदेव का किरदार अदा कर रहे हैं, जो उनके सीनियर होते हैं और अपराधियों से निपटने के लिए एनकाउंटर के तरीके से खुश नहीं होते। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के बैटालियन के जरिए 32 साल बाद साथ में काम किया। इसमें फहाद फाजिल, मंजू वारियर, राणा दग्गुपति, दुसारा विजयन और ऋतिका सिंह समेत कई कलाकारों ने काम किया है। फिल्म का निर्देशन टीजे जानवेल ने किया है, जो इससे पहले कूटाथिल, ओरुथन और जय भीम बना चुके हैं। टीजे जानवेल एक बार फिर से अपनी फिल्म के जरिए सामाजिक टिप्पणी करने जा रहे हैं। फिल्म में एनकाउंटर और मानवाधिकार उल्लंघन के मसले पर बात की जाएगी। उनकी फिल्म जय भीम को भी काफ़ी सराहा गया था। बैटालियन के तमिल वर्जन में अमिताभ बच्चन की डबिंग प्रकाश राज ने की है। ऐसे में देखना होगा कि इसे लेकर तमिल दर्शकों का अनुभव कैसा रहेगा। बैटालियन का संगीत अनिरुद्ध रविचंदन ने तैयार किया है। रजनीकांत अभिनीत 2023 में आई फिल्म जेलर का संगीत भी उन्होंने ही तैयार किया था। ओडियो लॉन्च का कार्यक्रम में फिल्म का दूसरा गाना हंटर वंतार रिलीज किया गया। इस मौके पर रजनीकांत, राणा दग्गुपति, ऋतिका सिंह, अनिरुद्ध रविचंदन और दुसारा विजयन समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। हम ऐसी वीडियो देख के आते रहेंगे। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।